नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल विकी इंडिया में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत पिशाच जैसी मान्यताओं पर यकीन करते हैं और उनसे जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने पर हम काफ़ी डर जाते हैं, पर फिर भी हम इनके बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कुछ भूतिया रेलवे स्टेशन की, जहां पर सच में भूतों का निवास है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बरोग स्टेशन शिमला। शिमला में बरोग रेलवे स्टेशन बरोग सुरंग के समीप है। कर्नल बरोग ने इस सुरंग का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। जब वह सुरंग का निरीक्षण करने जा रहा था तब उसने खुद को गोली मार ली थी। बाद में उसकी लाश को सुरंग के नज़दीक दफना दिया गया था। कहा जाता है उसकी आत्मा सुरंग के आसपास आज भी रहती है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। लोग मानते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के आसपास एक भूतनी का डेरा है। यह सफ़ेद साड़ी पहनती है और कभी कभी तो यह भूतनी यहाँ से गुजरने वालों की कारों का पीछा भी करती है और उनके दरवाजे खटखटाती है और बात ना सुनने पर उन्हें थप्पड़ मार देती है। MG रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव। लोगों का कहना है कि यहाँ एक डरावनी भूतनी रहती है। लोग कहते हैं कि इस स्टेशन पर दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, उसी महिला की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। इस स्टेशन को भूतहा माना जाता है। कहा जाता है कि नैनी जेल के बेहद करीब इस स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं मौजूद हैं, जिनकी मौत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जेल में हो गई थी। उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। रवीन सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। यह स्टेशन बेहद भूतहा माना जाता है। कहा जाता है यहाँ रेलवे स्टेशन ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या करने वालों की आत्मा यहाँ रहती है। लोगों का कहना है कि अगर आपको यहाँ की लास्ट ट्रेन में सफ़र करने पर उनकी डरावनी और आवाज़ें सुनने को और भूत देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।